दृश्य इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम काली लिनक्स के जो कमांड यूज करते हैं वो हम सब देखेंगे। ये पूरा 1 आवर का वीडियो होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले हम टर्मिनल ओपन करेंगे। तो हम इस वीडियो में जो जो हम काली लिनक्स में कमांड यूज करते हैं उसके बारे में सभी देखेंगे। तो हम पहला कंट्रोल प्लस यूज करते हैं जब हमें काली लिनक्स का जो नेम है वो बड़ा करना होता है। तो हम पहले सिंपल कमांड से स्टार्ट करेंगे, वो है ls। तो हम ls टाइप करके एंटर करेंगे। तो ls कमांड का यूज ये होता है कि जो कोई डायरेक्टरी है उसमें कौन से फोल्डर है, फाइल है, उसके बारे में डिटेल में हमको जानकारी मिलती है। तो ये वेरी बेसिक कमांड है। तो हम ls और बाद में l टाइप करेंगे तो वो हमें सभी डिटेल बता देता है कि किस वक्त ये फाइल स्टार्ट हुई, ये रूट डायरेक्टरी में या वो ओपन सोर्स है। तो ये सब कुछ ये बता देता है जब हम ls और l टाइप करते हैं। तो नेक्स्ट कमांड है cd। तो हम cd टाइप करने के बाद हम अब कौन सी भी डायरेक्टरी में नहीं तो cd का कुछ यूज नहीं, तो हम पहले ls टाइप करेंगे। तो हम किसी भी फोल्डर में जाने के लिए तो हम एग्जांपल के लिए cd और d ड्राइव में जाएंगे। तो हम टाइप करेंगे cd और d ड्राइव। और एंटर करेंगे तो हम डी ड्राइव में आ चुके हैं। ये उसमें से फाइल से। तो cd कमांड का क्या यूज़ है? तो cd कमांड का ये यूज़ है कि हमें एक फाइल से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए cd कमांड का यूज करते हैं। तो हम cd कमांड का अनदर यूज देखेंगे। तो जब हम किसी में फोल्डर और फाइल में हमें जब मेन फाइल में आना होता है तो हम सिर्फ cd टाइप करते हैं तो हम मेन डायरेक्टरी में आ जाएंगे। तो हमें एक हद फाइल में जाके फिर से वापस आते तो ये cd डी ड्राइव में गए, फिर ls टाइप किया, हम cd और ip फोल्डर में जाएंगे तो cd ip लिखेंगे, ls करेंगे तो ये उसमें जो कई ppt फाइल्स है और अदर है तो वो लिस्ट हो जाएगी। तो हमें यहाँ से बैक आना है तो हम cd टाइप करेंगे और हमें एक ही फोल्डर बैक आने के लिए cd डॉट डॉट टाइप करेंगे। तो पहले फिर से हम अंदर जाएंगे cd डी ड्राइव और cd ip और हमें एक ही फोल्डर बैक आना है तो cd डॉट डॉट करके लिख देंगे। cd के बाद स्पेस करना जरूरी है तभी आप बैक आ जाओगे। तो ये थी cd कमांड। तो हमें देखना है कि हमारे लैपटॉप को कौन से नेटवर्क कनेक्टेड है, क्या है, उसके बारे में देखने के लिए हम if config कमांड यूज करते हैं। तो हम if config टाइप करेंगे। तो if config टाइप करने के बाद हमें अब ब्लूटूथ से नेट कनेक्टेड है तो यहाँ पे ब्लूटूथ आ जाएगा। हम इसको इथरनेट से भी कनेक्ट कर सकते इसलिए इथरनेट का नाम आ चुका है और ये अनदर है। तो हम cd टाइप डॉट डॉट करके बैक आ जाते हैं। तो नेक्स्ट कमांड है हु एम आई। तो हु एम आई ये हमें जो मैं नॉर्मल यूजर है उसके बारे में बताता है। और एंटर करने के बाद ये देखिए ये नॉर्मल यूजर का जो नेम है उसके बारे में बताता है। हमें जब सुपर यूजर में जाना है मतलब जो रूट डायरेक्टरी उसे एक्सेस करना है तो उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है। तो हम ऐसा टाइप करेंगे sudo su। तो ये हमें रूट डायरेक्टरी में जाने की परवानगी देगा जब हम पासवर्ड डालेंगे। तो ये हमने पासवर्ड डाला है तो रॉन्ग आ गए। तो यहाँ पे हम रूट डायरेक्टरी में आ चुके हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है इन टर्म्स ऑफ लिनक्स सिस्टम। तो नेक्स्ट कमांड है mkdir। तो हमें डायरेक्टरी तैयार करने के लिए ये इसका यूज होते हैं। तो हमें एग्जांपल के लिए टेस्ट नाम की डायरेक्टरी तैयार करता हूँ, फिर से हम ls करेंगे तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि डायरेक्टरी तैयार हुई या नहीं। तो यहाँ पे
टेस्ट नाम का फोल्डर आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे टेस्ट नाम का फोल्डर आ गया है, तो हम उस फोल्डर में जाएंगे अब सीडी टेस्ट। तो हमें अभी अभी तार किया है तो इसलिए उसमें कुछ भी नहीं है, तो हमें अब उसमें कुछ तो तैयार करना होगा, मतलब 1000 टेक्स्ट तैयार करना है। तो वो कैसा करेंगे वो देखेंगे अब। तो वो तैयार करने के लिए हम टच कमांड का यूज़ करेंगे, तो टच ए डॉट टी एक्स टी टाइप करेंगे और ls करेंगे, तो यहाँ पे ए डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल तैयार हो गई। तो हमें उस फाइल को ओपन करना है, तो हम नैनो कमांड यूज़ करेंगे, nano ए डॉट टी एक्स टी और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे एक इंटरफेस आ चुका है, तो हमें उसमें कुछ भी लिख देता हूँ, एग्जांपल मेरा ही नाम लिख देता हूँ, और उसके बाद कंट्रोल एक्स प्रेस करना और उसके बाद वाई प्रेस करना है, तो ये फाइल सेव हो चुकी है और एंटर करना है। तो हम ls टाइप करेंगे, तो यहाँ पे हमारी फाइल आ चुकी है जो हमने अभी a.txt जो टाइप किया है वो सच में आया है कि नहीं वो हम अब चेक करेंगे। तो इसलिए हम फाइल सिस्टम में जाएंगे, और फाइल सिस्टम में जाने के बाद हमें पाथ फाइंड आउट करना होगा। तो हम पहले होम में जाएंगे, उसके बाद आनंद में जाएंगे। तो आनंद में जाने के बाद यहाँ पे एक टेस्ट नाम का फोल्डर आ चुका है, तो हम इसे ओपन करके देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आनंद नाम शो कर रहा है, तो यहाँ पे हमारी कमांड सक्सेसफुली रन हो चुकी है। तो ये थी नैनो कमांड। नेक्स्ट कमांड है pwd। pwd कमांड प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब हम कौन से फोल्डर में अब एग्जिस्ट करते उसके बारे में दिखाता है ये pwd कमांड। ये बेसिक कमांड है काली लिनक्स का। तो नेक्स्ट है कैलेंडर कमांड। तो कैलेंडर कमांड इज आप कैल टाइप करने के बाद एंटर कर देना। तो अभी जून महीना चालू है, 2021 चालू है, तो ये जून महीने का कैलेंडर शो कर देगा। तो नेक्स्ट कमांड है डेट, तो हम डेट टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे, तो ये आज की इधर डेट आ जाएगी। तो ये हमारा रियल टाइम है, अभी इतने बजे है और ये जून महीना है ट्यूसडे। तो ये इसके बारे में, ये बहुत ही बेसिक कमांड है, इसका यूज हम बहुत बार करते हैं। तो नेक्स्ट कमांड है फ्री, तो हम फ्री टाइप करेंगे सिर्फ। तो ये हमें जो हमारे इंटरनल मेमोरी है उसके बारे में, कितना फ्री रैम और रॉम है उसके बारे में डिटेल में बताता है। तो नेक्स्ट कमांड है हिस्ट्री। तो अभी तक हमने जो जो कमांड टाइप की है वो हिस्ट्री में जमा हो जाती है। तो हमने अभी तक ये जो कोई है कमांड यूज़ किए तो हमें प्रीवियस हिस्ट्री सभी मिल जाती है इसका यूज करके। नेक्स्ट कमांड है एमवी कमांड। तो हमें फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह और फाइल को हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एमवी कमांड का यूज करते हैं। तो हम पहले ls टाइप करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे a.txt स्टोर है। तो हम क्या करेंगे, एमवी टाइप करेंगे, उसके बाद स्लैश टाइप करेंगे। तो हम अब टेस्ट फोल्डर में, तो टेस्ट फोल्डर उसके बाद स्लैश करके a.txt, और अब हमें इसको डेस्कटॉप पे जो मतलब है उस पर मूव करना है, तो desktop और एंटर करेंगे। तो डेस्कटॉप की कोई भी डायरेक्टरी नहीं, तो हम सिर्फ स्लैश पे एंटर करेंगे, तो वो आपकी भी डायरेक्टरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो कोई है इसे a.txt उसको वैसे ही रहने देंगे और स्लैश करके एंटर करेंगे। तो ये भी वर्किंग न होने के बाद हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे फाइल को मूव करने के लिए। तो ये जो एरर है उसे सॉल्व करने के लिए हम एक अनदर फोल्डर तैयार करेंगे। तो हमें फोल्डर तैयार करने के लिए सिंपली टाइप करना है mkdir, उसके बाद हमें टाइप करना है टेस्ट टू और एंटर करना है। ls करने के बाद यहाँ पे टू फाइल्स आ चुकी होंगी। तो हमें सिर्फ एमवी और स्लैश करके ऐसा टाइप करना है और उसके बाद
यहाँ पे टेस्ट टू लिखना है, तो यहाँ पे भी ऐसा सेम एरर आ रहा है, तो हमें इसको रिवर्स कर देते हैं। मैं ये आपको एरर के साथ भी दिखाता हूँ, क्योंकि जब हम रन करते हैं कोई भी यूट्यूब का वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो वहाँ पे जो हमें एरर आते उसके बारे में कोई नहीं बताता। तो हम ls टाइप करेंगे, उसके बाद cd test 2 और ls टाइप करेंगे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हम फिर से सेम कमांड टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे, तो ये यहाँ पे भी एरर दिखा रहा है, तभी भी वो फोल्डर उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ls टाइप करेंगे और cd डॉट डॉट करेंगे, तो ये देखिए पहले टेस्ट फोल्डर है, टेस्ट में अब कुछ नहीं रहा, तो टेस्ट टू टाइप करेंगे, तो टेस्ट टू कमांड एग्जिस्टेंस में नहीं है। मतलब हम जो फोल्डर का नाम लिखते हैं उसके पहले जब हम cd टाइप नहीं करते तो कमांड नॉट फाउंड ऐसा मैसेज आता है, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ls टाइप करेंगे, यहाँ पे जो है फोल्डर आ चुका है, मतलब उसमें फाइल आ चुकी है। नेक्स्ट कमांड है अप टाइम, तो हमारा टाइमिंग क्या है उसके बारे में बताता है, मतलब कितने टाइम से उसने लॉगिन किया है, वो सभी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये थी मतलब ये सारी जो है ये सभी बेसिक कमांड है लिनक्स की, ये तो आपको आनी ही चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर द लर्निंग साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग। अब क्योंकि टू टाइप्स के इंटरफेस होते हैं, एक है कमांड लाइन इंटरफेस और सेकंड है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मतलब जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं जनरली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का ही यूज़ करते हैं, तो हमें इतनी कमांड लाइन इंटरफेस आती नहीं है। तो हम इस वीडियो में सीख लेंगे कि हम कमांड लाइन इंटरफेस कैसे यूज़ करें। तो ये आप जो कमांड बताइए वो आप अपने मोबाइल पे भी ट्राई कर सकते हो, उसके लिए टर्मस नाम का ऐप भी होता है। और हम जब ग्राफिकल कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ करते हैं तब हम ऑटो को सिस्टम में जाकर कौन से भी डायरेक्टरी में ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि जब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है उसके बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, बट कमांड लाइन इंटरफेस के कोई भी लिमिटेशन नहीं होते। तो हम इसके आगे देखेंगे कि Kali Linux ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसका हम ओवरव्यू देखेंगे। तो ये हमारी Kali Linux ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे फर्स्ट है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग में DNS एनालिसिस से, मतलब जो डोमेन नेम होते उसके बारे में ये बताते, मतलब DNS एनालिसिस है, IP एड्रेस है, लोकल होस्ट है, नेटवर्क एंड पोर्ट स्कैनिंग है, OSCT एनालिसिस है, मतलब उसमें भी Maltingo नाम का भी सॉफ्टवेयर है, उसमें भी हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो ये हम इसे डिटेल में सीखेंगे, तो इसके लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना। तो SSL हमें वेब सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है, तो ये हम सभी की सिक्योरिटी चेक करेंगे। तो सेकंड है वर्नेबिलिटी एनालिसिस, जो कोई कोड होता है उसमें जो कोई वर्नेबिलिटी होती है को उसके बारे में ये, इसमें से nmap कमांड जो है वो बहुत ही यूजफुल है। तो नेक्स्ट है वेब एप्लीकेशन एनालिसिस, इन अ वेब एप्लीकेशन एनालिसिस हम वेबसाइट की सिक्योरिटी चेक करते हैं। जो बूटस्ट्रैप होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वेब एनालिसिस के लिए, तो ये भी है। कॉमिक्स नाम का जो है वो हम SQL इंजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, WP स्कैन जो वर्डप्रेस वेबसाइट होती है उसके लिए यूज़ करते हैं, SQL मैप जो इंजेक्शन करते हैं मतलब सर्वर का डेटा है उसके बारे में जो पता करना होता है तो हम SQL मैप यूज़ करते हैं। इसके हम डिटेल में वीडियो भी देखेंगे, तो बूटस्ट्रैप ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है डेटा असेंबली, तो डेटा असेंबली में दो ही है, मतलब SQL मैप एंड द, ये ओपन हो गया 1 मिनट,
तो ये डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है। तो SQL मैप ये दोनों ही, पासवर्ड अटैक मतलब जो कोई पासवर्ड है उसको अटैक करने के लिए, ऑनलाइन अटैक, ये सभी टूल हम हमारे यूट्यूब चैनल पे एक एक करके वीडियो बताते जाएंगे। ये है वायरलेस अटैक, जो मतलब वाईफाई होते हैं उसको सिक्योरिटी कैसे चेक करें, मतलब वाईफाई 802.11 जो यूज करता है उसे सिक्योरिटी कैसे चेक करें। तो नेक्स्ट है रिवर्स इंजीनियरिंग, मतलब जो हम काम करते हैं उसे हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं, तो उसमें ये रिवर्स इंजीनियरिंग में आता है। नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन टूल, मतलब जो कोई बग है उसमें सिक्योरिटी ये एक्सप्लॉयट करता है, मतलब फाइंड आउट करता है। तो ये उसमें से मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MSF प्लेलोड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है शिपिंग टूल, या मतलब जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है लैपटॉप थ्रू और यानी हम वाईफाई को कनेक्ट होते हैं उसका डेटा किधर से कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होता है, तो ये वाइनशार्क बताता है। ये भी अदर टूल्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब जो सिस्टम के बैक के साइड से हम देख सकते हैं, मतलब OS में जाके, मतलब पावर शेल स्पॉट, मतलब OS रहता है विंडोज़ का उसमें पावर शेल होता है, तो वो भी हम उसकी भी सिक्योरिटी और उसके में जा भी सकते इसका यूज करके। फॉरेंसिक, ये फॉरेंसिक टूल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, तो इसके बारे में हम देखेंगे एक एक करके। इस वीडियो में हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं। तो रिपोर्ट टूल है, तो ये रिपोर्ट टूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, माल्टिंग को बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब हमने किसी का नाम डाल दिया तो उसके रिलेटेड गूगल पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये माल्टिंगो हमें प्रोवाइड करता है। और भी इसके बहुत ही एप्लीकेशन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, अदर टूल भी वैसे ही इम्पोर्टेंट है। सोशल इंजीनियरिंग टूल किट, मतलब जो सोशल इंजीनियरिंग मतलब हमारा टैलेंट का, खुद का टैलेंट का यूज करके हम कैसे लोगों को उसकी सिक्योरिटी के बारे में जागरूक करते, उसे चेक करके उसे बताते, ये जो आता है वो सोशल इंजीनियरिंग टूल किट में आता है। तो सिस्टम सर्विस है, सिस्टम सर्विस दो टाइप है, उसमें बीप नाम का एक सॉफ्टवेयर है, उसमें हम चेक कर सकते हैं कि क्या है कैसा है। तो ये हमें डिटेल में देखा कि Kali Linux में कौन कौन से फीचर है। तो ये Kali Linux के बहुत ही मतलब जो इम्पोर्टेंट लिंक है, तो ये वाले सभी लिंक है, तो हम इस लिंक के बारे में हम डिटेल में भी इसी वीडियो में देख लेंगे। तो यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र है और सेटिंग्स है, जो कोई कलर्स, ब्राइटनेस, जो कोई होता है, मतलब हमें बेसिक सेटिंग होती है कौन सी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो वो सभी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये कुछ एक्सेसरीज है जो हम यूज करते हैं हमारा कोड रन या और अदर एप्लीकेशन के लिए, मतलब ये बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जब हम नॉर्मल भी यूज करते हैं तो भी। तो ये हमें डेवलपमेंट की कोई सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे ये सेटिंग है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटिंग है। और नेक्स्ट यहाँ पे हमें ग्राफिक्स में जाएंगे, तो ये ग्राफिक्स के टूल है, हमें जब इंटरनेट यूज करना होता है तो यहाँ पे बहुत सारे टूल है, मतलब मेल रीडर है, किंग फिशर है, गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, और ये अदर टूल है, टीम व्यूअर भी है, मतलब ये मैंने ही डाउनलोड किए कुछ कुछ फाइल्स, बट कुछ कुछ अच्छे अच्छे वाले Kali Linux के ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थे। तो नेक्स्ट है जो ऑफिस है, तो यहाँ पे हमने WPS ऑफिस इंस्टॉल किया है, ये अदर फाइल अदर कुछ एप्लीकेशन से, और ये सिस्टम की सेटिंग्स से है लास्ट में जो कोई होती है। तो यहाँ पे वाइन है, वाइन में हमें तीन टाइप के जो है, मतलब ऑडिट, पाइथन एंड रूबी, जो कि इम्पोर्टेंट है कौन सी भी फाइल को रन करने के लिए, मतलब ये एक जो क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। तो ये था बेसिक ओवरव्यू ऑफ Kali Linux सिस्टम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब हम जनरली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते,
बट लिनक्स की ये काली वाली सिस्टम बहुत ही अच्छी है, मतलब जो नॉर्मल यूज़ के लिए भी ये अफोर्डेबल और इजी टू अंडरस्टैंड है। तो हम अब जो मैंने बताया था काली लिनक्स के बेस्ट जो लिंक्स है, तो हम वो एक एक करके ओपन करके देखेंगे और उसके बारे में देखेंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है exploitdb.com। यहाँ पे मतलब जो कोई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, यहाँ पे जो कोई एरर थे उसमें एक्सप्लॉयटेशन कर सकते उसका बारे में डेटाबेस है, तो हम इधर से सीख भी सकते कहाँ पे कौन सा एरर है क्या है, तो इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ के सीख सकते। तो ये जो सब है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये बहुत ही मतलब ये प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये उसमें से फाइल से एक्सप्लॉइट है, गिट से, पेपर से और अदर भी है। ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए तो उसका भी यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग बाय काली लिनक्स, ये मतलब उसका सर्टिफिकेट भी मिलता है। और ये VIMO का सॉफ्टवेयर यूज़ करके उन्होंने जो कोर्सेज डिज़ाइन किए वो भी हम देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट से काली बक्स, तो हम जब क्लिक करेंगे तो bugs.kali.org नाम की वेबसाइट ओपन होगी। जो काली लिनक्स में जो कई बग्स होते इशू होते थे तो उसके बारे में ये बताता है, और जो कोई इशू सॉल्व करते उसमें भी ये बताता है। ये डिटेल में हमें काली लिनक्स के बारे में उसमें कहाँ पे एरर आई वो हमने कैसे सॉल्व की, ये मतलब कम्युनिटी का काम करता है। तो ये ऐसा बहुत ही मतलब डिटेल में एक्सप्लेन करता है जो काली लिनक्स में जो बग्स टैक्स होते उसके बारे में। मतलब काली लिनक्स इस ओपन सोर्स ही है, मतलब तो हमें उसका सोर्स कोड भी मिलता है, तो उसमें कोई बग फाइंड आउट बग तैयार हो जाता है, मतलब कोई कुछ एरर हो जाता है तो हम उसके बारे में भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वेबसाइट है कालीडा डॉक्स, तो ये डॉक्यूमेंट फाइल है। तो जो कोई काली को एरर से उसके बारे में, मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साइड है काली के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमें डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये काली जो है kali.org ये सभी को इंटरकनेक्टेड करती है। तो यह हम जब क्लिक करेंगे तो बग ट्रैकर की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो हमने प्रीवियस में देखा तो ये सभी को एक ही इसमें ऐड कर दिया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब जब हम या अपने अभी काली के जो टूल्स देखे उसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो ये काली के टूल्स की उसके बारे में इंफॉर्मेशन, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन kali.org पे स्टोर है। जब हमें मतलब पेनिट्रेशन करनी है, साइबर सिक्योरिटी टेस्ट करनी है, मतलब उसके बारे में सभी नॉलेज है, तो ये सभी इसमें अवेलेबल है। काली की जो नवीन फीचर्स आते हैं नए नए, तो वो भी हम इस पे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वेबसाइट है जो उसका फोरम है, तो हम जब काली फोरम पे क्लिक करेंगे तो forum.kali.org ये वेबसाइट ओपन होगी। तो ये काली के फोरम के बारे में जब मतलब जो कोई उनके गाइडलाइंस से रूल्स से, मतलब काली की जो कोई इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड वो लोग इस पे पोस्ट करते और लोग ही उसका रिप्लाई करते। मतलब हमें ऐसा फोरम मिलता है जहाँ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं लोगों से जिनके पास काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो नेक्स्ट है काली लिनक्स, तो ये काली लिनक्स की जो कोई ORG वाली वेबसाइट है तो वो आ जाएगी। तो हम नेक्स्ट देखेंगे, तो काली है नेक्स्ट टूल, जो कोई टूल्स यूज़ करते हैं हम काली लिनक्स पे, तो उसके टूल्स के बारे में यहाँ पे हम एग्जांपल टूल पे क्लिक करेंगे तो हमें इतने टूल्स यूज़ कर रहे हैं। तो हमें
पर्टिकुलर टूल के बारे में देखना है, मतलब हमें एग्जांपल यहाँ पे गया तो यहाँ पे बीफ नाम का जो है वो टूल है, तो हमें देखना है बीफ का क्या है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और बीफ पे क्लिक करेंगे, और बीफ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बीफ जो टूल हमें अपने अभी देखा उसके फ्रेमवर्क के बारे में हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आप यहाँ से सीख भी सकते हो कि क्या या ये क्या वर्क करता है, उसका ऑथर कौन है और उसके पास कौन सा लाइसेंस है, वो इसके बारे में ये बेसिक इंफॉर्मेशन, और उसे हम हमारे सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करें वो भी यहाँ पे मिल जाता है। और इंस्टॉल होने के बाद मतलब जो ये बीफ टूल है तो वो वर्क करता है 127.0.0.1.3000 पे। तो जब हम ये जो कोई आईपी एड्रेस है कौन से भी वेबसाइट में डाल देते तो वो उसे बीफ कर लेता है, और उसका जो डेटा है ऑनलाइन है ऑफलाइन है तो उसके बारे में ये बताता है। तो ये एग्जांपल के लिए मैंने बताया, ऐसे बहुत सारे टूल है जो हमको हमारे चैनल पे सीखनी है, तो इसके लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो। तो नेक्स्ट हम देखेंगे काली ट्रेनिंग। तो ये एक काली ट्रेनिंग नाम की वेबसाइट है, यहाँ पे हम जो कोई कोर्सेस होते हैं काली के रिलेटेड उसके डिटेल में इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है, मतलब हमें कैसे सब्सक्राइब करें, सर्टिफिकेशन कौन कौन से काली के, तो यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है आपको, मतलब फ्री में सीखना है। इसके लिए हम यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पीडीएफ है फॉर द बिगिनर और मिडल और एडवांस के लिए नहीं है, बट बिगिनर के लिए बहुत ही अच्छी पीडीएफ है, उसमें से हम बहुत सारा सीख सकते हैं। तो ये अदर भी लिंक्स है, ओके नेक्स्ट हम कमांड देखेंगे हम, मतलब नेक्स्ट जो है वो है नेट हंटर, मतलब नेक्स्ट वेबसाइट उसमें। तो हम नेक्स्ट वेबसाइट के लिए kali.org में जाएंगे और उसे गेट, मतलब जो कोई है मतलब नेट हंटर वर्क करता है बियर मॉडल वीएम एआरएम क्लाउड कंटेनर और सभी पे वर्क करता है। तो हमें बियर मेटल वहाँ पे वो कितने बिट का है क्या है इंस्टॉलर कैसा है उसका है, मतलब जो इमेज फाइल होती है हम कौन सी भी ऑपरेटिंग सिस्टम जब डाउनलोड करते हैं उसकी इमेज फाइल होती है तो उसे हमें रन करना होता है। वर्चुअल मशीन मतलब जो हम वर्चुअल वर्चुअल बॉक्स बोलते हैं वो हम जो यूज़ करते उसमें से उसमें ये फाइल हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये वर्चुअल बॉक्स जनरली यूज़ होता है, तो हम इसे डाउनलोड करके हमारे जो वर्चुअल बॉक्स तैयार किया है उसमें हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये आर्म प्रोसेसर होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लोगों के लिए, मतलब राजबेरी पाई 2 3 ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, मतलब वो जो राजबेरी पाई मॉड्यूल होता है उसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम हमको डालना पड़ता है। तो यहाँ पे दिए हुए आर्म प्रोसेसर की ऑपरेटिंग सिस्टम आप उसमें डाल सकते, उससे मतलब हम काफ़ी किधर भी लेके जा सकते। तो ये अदर भी उसके आर्म प्रोसेसर, हम मोबाइल में काली नेट हंटर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसे भी हम इंस्टॉल करते कर सकते हैं। तो ये किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कौन कौन सी है तो वो भी यहाँ पे बता दिया है, Xiaomi के लिए भी फाइल है, अदर जो मोबाइल है Samsung के मोबाइल के लिए भी है, 4G जो मोबाइल है 8.0 वर्जन की, मतलब Oreo का है, Gemini, LG, Nokia, मतलब जो कई मोबाइल फ़ोन से उसमें लिए भी यूज़ करते, मतलब हम इसका यूज़ क्लाउड पे भी कर सकते हैं, मतलब हमें क्लाउड पे ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करनी होगी तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। AWS मतलब जो होस्टिंग होती है, AWS मतलब जनरली हमें जो कोई डेटा सर्वर पे स्टोर करना होता है तो बहुत लोग AWS का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमें कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम लगती है, तो वहाँ पे भी हम
उसका यूज कर सकते हैं। नंत कंटेनर, इसका भी यूज कर, ये इतनी स्क्रीन की इतनी इन्फॉर्मेशन है, पर यहाँ पे भी हमें यूज करना आ सकता है। और ये लाइव बूट जो है वहाँ उसको भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। और WSN डॉक्यूमेंटेशन भी है, उसके बारे में हम सब डिटेल्स जान सकते हैं। तो हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट सेट है ओपन सिटी सिक्योरिटी ट्रेनिंग। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब जो कोई कोर्स होते हैं पेड़ वाले, उसके बारे में भी ये बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे मतलब जो कोई पेन 200 201 उसके प्राइजेस होते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल होती है, तो उसके बारे में वो उसके कोर्स है, बिगिनर का कोर्स कौन सा है, वो सभी इस वेबसाइट में मिल जाता है। तो हमें कुछ सर्टिफिकेट लेना है तो हम इससे ट्रेनिंग करके हम साइबर सिक्योरिटी दुनिया में मास्टर हो सकते हैं। तो ये लास्ट वाली और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेबसाइट है। तो ये जो कोई वन है, onehub.com है, तो ये मतलब लास्ट वाली है। तो यहाँ पे मतलब जो कोई डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में पता चलता है, मतलब सबमिट मशीन आप सबमिट कर सकते हो अपना, जो मतलब वर्चुअल मशीन होता है अपना, मतलब हमको टेस्टिंग करनी है तो हमें कोई तो मशीन चाहिए, हम डायरेक्ट किसी भी इस पे टेस्ट तो नहीं कर सकते, तो हमें अपना मशीन सबमिट भी कर सकते, उनका मशीन हम यूज़ भी कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए। और उसका टाइम लैब होता है, उसकी बहुत ही इन्फॉर्मेशन होती है। या हम अभी इनिशियल लेवल मतलब बिगिनर के लिए कुछ ही ज़रूरत नहीं है, जब हम एडवांस होंगे तो ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी ऑल वेबसाइट ऑफ कालिनी नग, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर द योर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एज वेल एज फॉर द ट्रेनिंग ऑफ साइबर सिक्योरिटी एज वेल एज लर्निंग ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी ऐसी फील्ड है, हम दररोज मतलब डेली लर्न कर सकते हैं और उसमें से सीख सकते हैं। तो ये ऑल वेबसाइट है जो आप विजिट कर सकते हो, इसे मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम साइबर सिक्योरिटी वर्ड इस चैनल पे ही डाल देने वाले हैं। तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट करेगा इन फ्यूचर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।